जय श्री हरि। बंधु, समाज में बहुत सारे दुष्ट पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, पहले भी थे, होते रहे हैं। कोई कहते हैं सनातन रोग की भांति है, ऐसे ऐसे कुछ कहा है किसी ने, और कोई कोई तो ब्राह्मणों को अपशब्द कहते हैं। तो ये सब बातें जैसी भी हों, जो भी हों, कोई रामचरितमानस को अपशब्द कहते हैं, कोई कहते हैं ब्राह्मणों ने ही सब कुछ रच दिया। तो आइए उन्हें उन्हें नहीं, तो हम कुछ और ब्राह्मणों की महिमा बताते हैं। वो चिड़े तो चिड़े, आइए ब्राह्मणों की महिमा बताते हैं आपको। तो ये है व्यास स्मृति चतुर्थ अध्याय सातवें श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक क्या महिमा गाई गई है ब्राह्मणों की, आइए दिखाते हैं। कि जो मनुष्य ब्राह्मणों को आश्रय देता है, उनका पाद प्रक्षालन करता है और उनको भोजन आदि से तृप्त करता है और बलि और भिक्षा देता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करता। प्रतिश्रयम पाद शोचम ब्राह्मणांच तर्पणम न पापम संस्पृशेत तस्य बलिम भिक्षाम ददाति यह। अगला कहा गया है, पादोदकम पादघृतम पादधृतम दीपमन्नम प्रतिश्रयम यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति तम यमः। जो ब्राह्मणों को पांव धोने के लिए जल, खड़ाव, दीपक, अन्न और आश्रय देता है, यम उसके पास नहीं आता, मृत्यु उसके पास नहीं आती। विप्रपादोक, अच्छा यहां जो ऊपर बात कही गई है कि जो ब्राह्मणों के पैर धोता है, ब्राह्मणों को आश्रय देता है, उनको भोजन कराता है, बलि और भिक्षा देता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करते। रोज भोजन कराएगा, पाप स्पर्श कैसे करेंगे? और उचित संयमशील विद्वान आचारवान ब्राह्मण को कराएगा तो उसकी तपश्चर्या का फल भी इसे मिलता है, तो पाप स्पर्श कैसे करेंगे? और इसकी बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी, जैसी उसकी बुद्धि ऐसी इसकी होती जाएगी, जैसी उन ब्राह्मण देवता की है। आगे कहा गया है नौवें श्लोक में, जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के पांव के जल से गीली रहती है, तब तक ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करने वाले के पितर कमल के पत्तों के दोनों में अमृत का पान करते हैं। अगला कहा है दसवां, जो फल कार्तिक मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पुष्कर नामक तीर्थ में, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौ के दान से मिलता है, कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, हे श्रेष्ठ ऋषियों, वही फल विप्रों के पाद प्रक्षालन से मिल जाता है। ग्यारहवां क्या कहा गया है, ब्राह्मणों के स्वागत से अग्नियां प्रसन्न होती हैं, आसन देने से इंद्र प्रसन्न होते हैं, पाद प्रक्षालन से पितर प्रसन्न होते हैं और भोजन देने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। बारहवां कहा गया है, माता पिता से गंगा और विशेष रूप से गौएं बड़ा तीर्थ हैं। माता पिता से बड़ा तीर्थ गंगा है और विशेष रूप से गौएं बहुत बड़ा तीर्थ हैं। जो लोग कहते हैं ना सनातन धर्म में गाय का, कुछ लोग कहते हैं गाय का उल्लेख कहाँ है, तो वो देख लें जरा, गौएं बड़ा तीर्थ हैं। किससे? माता पिता से भी और गंगा जी से भी बड़ा, क्योंकि गौ के श्रृंग से स्नान हो अगर यदि हो तो वो गंगा जी से भी पवित्र बताया गया, परंतु ब्राह्मण से बढ़कर बड़ा तीर्थ न हुआ है और न होगा, यह बात यहां कही गई है। अब ये ब्राह्मण महिमा प्रयास करेंगे और आगे चलाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।